हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज है 3 अगस्त 2018 और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें डेली करंट अफेयर्स और स्टडी जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और पहला सवाल है, 2 अगस्त 2018 को यानी कि कल ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक लोकसभा में भारी बहुमत से पारित हो गया, यह संविधान का कौन सा संशोधन है? मतलब यह संशोधन जो है वह किस क्रम पर आता है? और इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प, यानी कि यह संविधान का 123वां संशोधन है। ठीक है, 123वां। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का 123वां संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार यानी कि 2 अगस्त को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी मत विभाजन में इसके पक्ष में 2/3 से भी ज़्यादा 406 मत पड़े। विधेयक पर मतदान के दौरान मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पारित होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत को बधाई दी। जाहिर है कि अब राज्यसभा में भी इसके निर्विघ्न पारित हो जाने की संभावना है। याद रहे कि 1993 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने पर सिर्फ विचार करने का ही अधिकार था, लेकिन अब वह जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के प्रस्तावों पर फैसला भी ले सकेगा। संवैधानिक दर्जा मिलने से संविधान के अनुच्छेद 342 क, याद रखिएगा इस अमेंडमेंट को, 342 क को जोड़कर प्रस्तावित आयोग को सिविल कोड जैसे अधिकार मिल जाएंगे। इससे आयोग को पिछड़े वर्गों की शिकायत का निवारण करने के साथ साथ सजा देने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन आवर सेवा का पोर्टल लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। और आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आवर सेवा का पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इससे पेंशन भोगियों को ऑनलाइन पेंशन और भुगतान से संबंधित सभी जानकारियां अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे। और ये रहा तीसरा प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सतत शहरी विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका सही जवाब है जर्मनी। भारत और जर्मनी ने वित्तीय और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में शहरी विकास पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2018 को कितने सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है? कितने सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है? और आपका सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि 5 सांसद हैं जिनको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो 5 सांसद हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि जो बीजेडी के सांसद हैं भर्तहरि महताब, इनको 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है। और बाकी के जो सांसद हैं इनको आप पहचान सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, ये देश के 5 सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सत्ता और विपक्ष दोनों के 5 सांसदों को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें नजमा हेपतुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, दिनेश त्रिवेदी, भर्तहरि महताब और हुकुम देव नारायण शामिल हैं। इन 5 सांसदों को संसद भवन में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी शामिल थे। अब यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि नजमा हेपतुल्ला को 2013 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नजमा हेपतुल्ला को 2013 के लिए, ठीक है। फिलहाल नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल हैं। इसके अलावा हुकुम देव नारायण यादव को 2014 के लिए मिला है। नजमा हेपतुल्ला को 2013 के लिए, हुकुम देव नारायण को 2014 के लिए मिला है। हुकुम देव नारायण बिहार के मधुबनी से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। गुलाम नबी आज़ाद को यह पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2015 के लिए। फिलहाल वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और
तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी को यह पुरस्कार वर्ष 2016 के लिए दिया गया है। वर्तमान में दिनेश त्रिवेदी बंगाल पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से सांसद हैं। इसके अलावा इंडो यूरोपीय संघ संसदीय मंच के अध्यक्ष भी हैं दिनेश त्रिवेदी। वे पूर्व में भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं और इस वर्ष यानी कि जो गत वर्ष गया 2017 के लिए भर्तहर महताब को सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ष है उसको भी याद रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये सवाल पूछा जा सकता है और इसका सही जवाब होगा भर्तहर महताब। ठीक है, भर्तहर महताब भाजपा की सहयोगी पार्टी बीजू जनता दल, जिसको आप बीजेडी के नाम जानते हैं, बीजेडी से संबंध रखते हैं और उड़ीसा के कटक से सांसद हैं। 2017 में उन्हें सांसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है भर्तहर महताब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि एक तो हो गया आपका BEE, ठीक है, और एक दूसरी संस्था भी है, दोनों संस्थाओं ने मिलकर राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक जारी किया है। तो आपको बताना है कि ये दोनों जो संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं और सही जवाब है आपका राज्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE और AEEE, ठीक है, AEEE। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक जारी किया है, यानी कि यहाँ पर विकल्प ए आपका सही है। ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए यह एक गठबंधन होगा और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडेक्स जारी किया जाएगा राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक, वह देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंध में होने वाली प्रगति और राज्यों के बीच प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, बेसिकली इतना समझिए कि यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा राज्य कौन सा स्टेट कितनी ऊर्जा दक्षता रखता है। अब यहाँ पर देखिए एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों है, नाम है टामोरिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान। टामोरिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, आपको बताना है कि यह जो संस्थान है वह किस प्रदेश में स्थित है या किस प्रदेश में खोला गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह जो हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों ही ये खोला गया है, जिसमें 50 MBBS की सीटें हैं और जो बेड हैं यानी कि मरीजों के लिए बेडों की संख्या 300 रखी गई है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। युवा मामलों और खेल मंत्रालय किस तारीख से किस तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा, और ये सही जवाब है 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में युवा मामलों और खेल मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात और भी आप ध्यान रखिएगा कि युवा मामलों और खेल मंत्रालयों के जो मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनका नाम है राजवर्धन सिंह राठौर। राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 ग्रीष्म ओलंपिक जो कि एथेंस में हुआ था उसमें उन्होंने डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था और आज़ादी के बाद ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने रजत पदक जीता है निशानेबाजी की डबल ट्रैप प्रतियोगिता में 2004 में। भारत और थाईलैंड अगस्त 2018 में एक संयुक्त सैन्याभ्यास जिसको कहते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कब? अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। तो नाम बताना है आपको कि इस जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी भारत और थाईलैंड के बीच में उसका नाम क्या होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैत्री। ठीक है, मैत्री यहाँ पे सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन ये जान लीजिए कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, बैंकॉक में है। किस प्रदेश की सरकार ने आधार को बैंक खातों को जोड़ने पर छूट प्रदान किया है? देखिए छूट जो प्रदान किया गया है वो कुछ निर्बल लोगों जैसे कि जो वृद्ध हैं या फिर महिलाएं हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक रूप से जो छूट मिलती है जैसे गैस की जो सब्सिडी वगैरह होती है, तो उस छूट को प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए यह छूट प्रदान की गई है, और यह छूट प्रदान करने वाला जो प्रदेश है वह है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है आधार को बैंक खातों से लिंक करना आवश्यक नहीं है, जो मतलब कि छूट मिलती है उसको प्राप्त करने के लिए। किस राज्य में सूखा प्रभावित स्थानों पर जलापूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है, और सही जवाब है महाराष्ट्र की सरकार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि
महाराष्ट्र के कुछ मतलब क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार सूखे की स्थिति बनी रहती है, तो उस सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया गया? देखिए सबसे पहले आप बता दें आपको कि पृथ्वी ओवरशूट डे मनाया क्यों जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी धरती की भी अपनी एक फर्टिलाइजेशन है, उत्पादन क्षमता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, धरती जितना पैदा करती है और ह्यूमैनिटी यानी कि हम लोग जितना कंज्यूम करते हैं उनका एक रेशियो होता है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी की उत्पादकता को आप 1 मान लें और तो हमारा जो कंजम्पशन है वह 1.7 है, ठीक है, यानी कि जितना पैदा हो रहा है उसका हम 1.7 गुना कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी की जो उत्पादकता है उससे अधिक हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आंकड़ा काफ़ी भयावह है। आगामी कुछ वर्षों में यानी कि लगभग ये माना जा रहा है कि 2050 है आते आते जो पृथ्वी का जो ये कंजम्पशन होगा, पृथ्वी अगर 1 पैदा करेगी तो उसको 2 अनुपात में यानी कि उसका दुगुना लगभग 200% हम लोग उसका उपयोग करेंगे, तो ये पृथ्वी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। तो इसी के लिए एक डे मनाया जाता है, पृथ्वी ओवरशूट डे, और ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अगस्त, ठीक है, कब? 1 अगस्त, पृथ्वी ओवरशूट डे 1 अगस्त। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। हम्पी के खंडहर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम्पी जो है ये मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, देखते हैं कौन जवाब देता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है। हम्पी का अर्थ होता है पंपा से निकला हुआ, पंपा का अर्थ हुआ, जैसा कि आपको पता होगा कि पंपापुरी एक स्थान एक मतलब आता है पुराणों में, इसका अर्थ होता है कि पाताल लोक, तो यह माना जाता है कि पाताल से निकला हुआ है, पंपा से निकला हुआ है, और यह केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक बहुत ही भव्य सभ्यता निवास करती थी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में भी शामिल है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री भी आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे और राजकोष आदि जो हैं ये असंख्य इमारतें शामिल हैं, ठीक है। तो सही जवाब है कर्नाटक। भारत में टिन यह एक अयस्क होता है और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? टिन का उत्पादन सबसे अधिक होता है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा कहाँ पर है? दंतेवाड़ा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए ये रहा आपका भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये जो भारत है यहाँ पर ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखें तो ये जो तस्वीर है ये हो गई, और यहाँ पे दंतेवाड़ा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो कुछ भी बहुत सारे स्थानों के बारे में भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो जो भारत का मैप है और जो वर्ल्ड का मैप है उसे आप लोग जहाँ पर स्टडी करते हैं उसके सामने आप लोग चिपका लीजिए, क्योंकि ताकि आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहा करें, और जैसे कोई लोकेशन आती है उसको ज़रूर से ज़रूर सर्च किया कीजिए कि कहाँ पर यह लोकेशन हो सकती है, ठीक है। दंतेवाड़ा भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत का एक शहर है जो कि दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। यह दंतेवाड़ा जिला का प्रशासनिक कार्यालय भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है, और अब आज की क्विज है 3 अगस्त 2018, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और दूसरा सवाल होगा, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई और डी 15 मई। जवाब आप लोग दीजिएगा एक ही कमेंट बॉक्स में, यानी कि लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, ऐसे लिखिएगा 3 अगस्त 2018, क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी विकल्प आपको सही लगता हो ए बी सी डी में से, फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो भी विकल्प आपको सही लगता हो उसको लिखिएगा। अलग अलग कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि अलग अलग कमेंट करने से कमेंटों की संख्या
बढ़ जाती है और फिर उसको थोड़ी सी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है रीड करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कल दोबारा से इसी समय जरूर विजिट कीजिएगा इस चैनल पर एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।